हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिस्क्राइब करते समय सबसे पहले मेंशन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट्स डिनोटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस कंफर्म द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है और उसके साथ में एनर्जी एसोसिएटेड क्या है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, वी कॉल इट के शेल। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, वी कॉल इट एल शेल। फॉर थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, we call it M shell. For fourth orbit N equal to 4, we call it N shell. While for fifth orbit N is equal to 5, this is O shell. And energy of electron in any nth orbit is inversely proportional to 1 by एन स्क्वायर, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमने लिखा है, या माइनस 13.6 एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाइल फॉर एनी अनदर फॉर अनदर एटम्स एनर्जी वुड बी इक्वल टू माइनस सम ए इंटू Z minus B whole square by N square. Energy may be written in this manner where A and B are constant. इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता लग जाता है। इट जस्ट लाइक मेंशनिंग टाउन और द सिटी और द डिस्ट्रिक्ट। ऑर्बिट पता लग जा रहा है, साथ में यह पता लग जा रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है। द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इट्स डिनोटेड बाय एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस सब ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एस वेल एस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ एल गोज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। जो L की वैल्यू होती है वह 0 से n माइनस 1 तक जाती है। मतलब जब n इक्वल टू 1 में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल टू 1, तो इस जगह पर L की वैल्यू सिर्फ एक होगी 0, जिसका मतलब होता है S सब ऑर्बिट।
सेकेंड ऑर्बिट की यदि हम बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट में जहां n इक्वल टू 2 है तो इधर l की वैल्यू एक तो होगी 0 और एक होगी 1। 0 का मतलब है 2s सब ऑर्बिट, इधर 1s कहूंगा और इधर 2p सब ऑर्बिट। n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 0 लिखा है वो 1s सब ऑर्बिट हो गया, और n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 दो वैल्यू होगी। इधर एल की वैल्यू 0 के लिए 2s सब ऑर्बिट और एल की वैल्यू मतलब